एक सिगरेट 1,005 रुपये की। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आपको सुनकर कि एक सिगरेट 1,005 रुपये की कैसे हो सकती है। क्या ट्रेन में अगर कोई सिगरेट बेचने आया है तो क्या 1,005 रुपये की सिगरेट बेचेगा? पहली बात तो ट्रेन में सिगरेट बेचना ही सबसे बड़ा अपराध है, और बेचने के बाद पीना भी अपराध है। रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 167 में आप सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो जुर्माना 100 रुपये ही है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि जुर्माना कैसे 1,005 रुपये हो सकता है, या कैसे 1,005 रुपये जुर्माना किसी के ऊपर हुआ। एक जर्नी मैं कर रहा था मध्य रेल के शोलापुर मंडल पर। शोलापुर स्टेशन पहुंचने पर एक ट्रेन खड़ी होती है, वहां पर एक लड़का सिगरेट पीने के लिए कोच के टॉयलेट में चला जाता है, वहां सिगरेट पी रहा होता है। उसी टाइम पर आरपीएफ स्टाफ की वहां चेकिंग होती है और उसे लगता है कि अंदर कोई स्मोकिंग कर रहा है। नॉक करते हैं दरवाजे पर, वो लड़का बाहर आता है, उससे पूछते हैं कि क्या आप सिगरेट पी रहे थे? लड़का मना कर देता था, नहीं मैं सिगरेट नहीं पी रहा था। कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप सिगरेट नहीं पी रहे थे, आप हमारे साथ चलिए और अब आपके यूरिन और ब्लड सैंपल के हम अगले दिन जाँच करवाएंगे और स्मोक टेस्ट आपका कराते हैं कि हाँ पता चल जाएगा कि आप सिगरेट पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे। उसके बाद आपको अगले दिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट पर पेश करेंगे और जो भी होगा वो आप देखिएगा। तो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, वो रिक्वेस्ट करने लगता है सर सॉरी सर गलती हो गई। तो उन्होंने कहा गलती हो गई ठीक है, आपने झूठ क्यों बोला? एट लास्ट लड़का अपनी गलती स्वीकार करता है। तो 167 केवल ये कहता है कि 100 रुपीज़ का फाइन, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और चीज़ें हैं। एट लास्ट CRPF कर्मियों ने उसका नाम पता नोट किया और उसे एक चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा आप मत कीजिएगा, रेल राष्ट्र की संपत्ति है और एक पब्लिक यान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपकी सिगरेट पीने से हो सकता है कोई हादसा हो जाए और हादसे होते भी रहते हैं। अभी 21 मार्च 2021 में शताब्दी एक्सप्रेस में सिगरेट के ही कारण कोच में आग लग गई, सिगरेट पी के किसी ने जो भी ट्रेन का वेस्ट बॉक्स था टिश्यू पेपर वगैरह जहाँ कलेक्ट होते हैं टॉयलेट में उसमें फेंक दिया, उससे आग पकड़ ली गई। तो ये हादसे हो सकते हैं। एट लास्ट उस लड़के के ऊपर तो खैर कुछ नहीं हुआ, उसको वारंटी देके छोड़ दी गई, लेकिन मेरे एक मित्र थे वो यात्रा कर रहे थे और वो पहुंचे थे नागपुर। नागपुर से ट्रेन थोड़ा सा आगे निकली तो उन्हें भी बड़ी सिगरेट की ज़्यादा तलब लगी, उन्होंने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीना शुरू कर दिया गेट पर खड़े होके। उसी बीच में एक RPF कर्मी पहुँचता है और उन्हें पकड़ लेता है। सिगरेट तो उन्होंने खरीदी थी 5 रुपये की, लेकिन उनसे वो 505 रुपये जुर्माना 500 रुपये जुर्माना लेता है। तो उनकी सिगरेट तो 505 रुपये की हो गई, वैसे जुर्माना लेना गलत था। अगर ऐसा कुछ है तो आप पर्सन का नाम पता नोट करेंगे और उसे कोर्ट में चाहे तो समन दे सकते बाद में या कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो उसे तो 505 रुपये का जुर्माना हो गया, सिगरेट उसकी 505 की पड़ गई। अब सरकार रेलवे एक्ट में संशोधन करने जा रही है और जो जुर्माना 100 रुपये का उसे 1,000 रुपये करने जा रही है। साथ साथ हो सकता है कि उसमें सजा का भी प्रावधान किया जाए। वैसे कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूँ, सेक्शन 145 रेलवे एक्ट में ये प्रोविज़न है कि आप मतत्ता या नशा कह लीजिए या आप अगर न्यूसेंस करते हैं उपताप करते हैं। अब उपताप का मतलब क्या है? उपताप का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए टॉयलेट आपका है तो टॉयलेट सबके यूज़ करने के लिए बना है कि टॉयलेट जाने के लिए बना है? वाशरूम है फ्रेश होने के लिए आपके लिए बना है, तो उसका मोटिव है। अब उसमें अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है और एटलीस्ट उसमें जुर्माना 500 रुपये है और सजा भी 6 महीने तक है। सेक्शन 154 जो यह प्रोविजन करता है
कि आपका कोई ऐसा कार्य जो आप उतावलेपन से करते हैं, उपेक्षापूर्ण करते हैं, जिससे किसी को अगर मान लीजिए नुकसान होता है, तो आपको 1 वर्ष तक सजा हो सकती है और जुर्माना भी होगा इसमें। सजा और जुर्माना दोनों होंगे, एक ही नहीं होगा। हो सकता है कोर्ट फाइन करके आपको छोड़ दे खाली। तो इसलिए आपकी सिगरेट जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। वैसे भी कोटपा एक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, रूल 2004 में ये प्रोविजन है कि सार्वजनिक स्थान पर अगर आप सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं, या कोई धूम्रपान करते हैं, मसाला गुटखा खा के भी थूकते हैं, या किसी विद्यालय के आसपास अगर आप धूम्रपान करते पाए जाते हैं, हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर 200 रुपये जुर्माना होगा। इस पर भी अमेंडमेंट होने वाला है और इसमें भी जुर्माने का प्रावधान 1000 रुपये होने वाला है। मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था बनाने के लिए केंद्र सरकार से कहा था कि आप कोई व्यवस्था बनाइए जिसमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा प्रतिबंध किया लगाया जा सके, और साथ साथ कुछ वार्निंग हो, चेतावनी हो, जो सिगरेट के पैकेट पर, गुटखों के पैकेट पर हो, तो वो व्यवस्था देखते हुए केंद्र सरकार ने कोटपा एक्ट बनाया, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। एक प्रोविजन उसमें और भी है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से किसी कम आयु के बालक को या बालिका को अगर सिगरेट या कोई ऐसा प्रोडक्ट, गुटखा, तंबाकू कुछ बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसमें भी सजा और जुर्माना का प्रावधान है, और अब उसमें संशोधन करके 21 वर्ष उसकी उम्र की जाने वाली है, और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अभी तो कोटपा के में अगर मान लीजिए आप सार्वजनिक स्थान पर जुर्माना करते हैं सेक्शन 4 में, तो आपको 200 रुपये जुर्माने का ही प्रावधान है, लेकिन वो 1000 रुपये हो जाएंगे। बेचने वालों पर हो सकता है जुर्माना और सजा लाखों में जाएगी, जुर्माना लाखों में जाएगा, सजा हो सकता है 5 साल और 3 साल तक जाएगा। तो आप अब दोबारा अगर ट्रेन में यात्रा कीजिएगा तो सतर्क रहिएगा, नहीं आपकी भी सिगरेट हो सकता है भविष्य में 1000 रुपये की पड़ जाए, या 10,000 की भी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बेहतर है नशा वैसे भी मत कीजिए, दमा के मरीजों को, हार्ट के मरीजों के लिए वैसे भी बहुत घातक है सिगरेट जैसी चीज़ें, स्मोकिंग बहुत घातक है। 1990 के दशक में ट्रेनों में आपने देखा होगा कि जिसने यात्रा की होगी कि उसमें एक ऐश का एक नाब लगा होता था, गोल गोल एक नाब होता था, लेकिन वो धीरे धीरे करके बाहर कर दी गई क्योंकि लोग पता चलता कि इस पर केबिन में 8 लोग बैठे हुए हैं, 1% बीड़ी सिगरेट पीने लगा, पता चला कि 7 लोग और जो वो परेशान होते थे। इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो सब चीज़ें धीरे धीरे हटाई गई, और सार्वजनिक स्थान पर तो बिल्कुल से नहीं। आप अपने घर में अगर मान लीजिए आप स्मोकिंग करते हो तो आप घर में कीजिए, वैसे स्मोकिंग कहीं भी मत कीजिए, स्मोकिंग आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक, जानते भी सब लोग हैं लेकिन फिर भी। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में या बस में यात्रा करते वक्त आप सावधान रहिएगा, और वैसे भी पब्लिक प्लेस कोई भी हो, कोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, आप धूम्रपान मत कीजिए, नहीं आपकी भी सिगरेट अब महंगी होने वाली है या हो सकती है, या आपका भी गुटखा जो आप राह चलते थूक देते हैं महंगा होने वाला है, क्योंकि वैसे भी इसमें तो कोरोना का टाइम चल रहा है, थूकते हुए भी पाएगा तो हो सकता है जुर्माना हो ही जाए आपके ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।